मैं ऐसे था ना जैसा कि हमने फॉर्मूले ड्राइव किए हैं, जैसे फॉर्मूला था हमारा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या था 1 के, ठीक है। तो आपने अलजेब्रा में एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला, ये क्या होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। तो आप इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज कर सकते हो, इस ये वाले टर्म को ये मान लो जैसे स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है, इनको ब्रेक कर सकते हैं हम इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, यानी ये क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इनको क्या लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू वन, सॉरी सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू क्या है 1 के। तो मैं इसको सिर्फ इधर शिफ्ट करूंगा तो क्या आ जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा इसके इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा के। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी प्रकार हमारी दूसरा आइडेंटिटी वो क्या था cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, ये भी हमने अभी प्रूव करके दिखाई थी आपको इक्वल्स टू 1 के। तो ये भी क्या है ए स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर थीटा वाली फॉर्म बन रही है, तो इसको भी इसी प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा किसके इक्वल है 1 के। तो इसमें भी शिफ्ट करके देख लेंगे तो क्या आया कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा किसके इक्वल हो गया 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के। तो ये दोनों आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लो, है ना। फिर आगे चलते हैं, और मैंने आपको बताया था रेसिप्रोकल होते हैं उनको भी नोट कर सकते हैं। जैसे क्या था साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल है कोसेक थीटा का, यानी कि साइन थीटा इक्वल किसके आएगा कोसेक 1 अपॉन कोसेक थीटा के, और टेन थीटा जैसे कोसेक कोस थीटा किसका रेसिप्रोकल है सेक थीटा का, ये इक्वल हो जाएगा। इसी प्रकार टेन थीटा किसका रेसिप्रोकल है कोट थीटा का, ये चीजें बता रखी है इनको भी नोट कर लो, ठीक है। और दो फॉर्मूले और बनाए थे, जैसे क्या था tan थीटा इक्वल किसके है sin थीटा अपॉन cos थीटा के, और cos थीटा tan थीटा का यदि रेसिप्रोकल है, यदि tan थीटा sin अपॉन cos है तो cos थीटा क्या हो जाएगा cos अपॉन sin थीटा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, इनको भी याद कर लो। और यहां से तीन अन्य फॉर्मूले भी बन सकते हैं, वो इस प्रकार है यदि मैं cos थीटा को LHS cosec स्क्वायर cosec थीटा को LHS शिफ्ट कर दूंगा तो क्या आएगा sin थीटा इनटू cos cosec थीटा बराबर क्या है 1 के। इसी प्रकार इन दोनों जगह पे ये शिफ्ट हो जाएगा तो cos थीटा इनटू sec थीटा इक्वल्स टू 1 के, एंड tan थीटा इनटू cot थीटा ये भी इक्वल 1 के हो जाएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है, इनको भी आप याद रख सकते हो, ठीक। अब हम आपको एंगल्स के बारे में बताएंगे, यानी कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स के एंगल्स की वैल्यू है इन रेशियो के अराउंड, तो उनको याद रखना है आपको। तो टेबल के थ्रू आपको ड्रॉ करना सिखाऊंगा, किस प्रकार उनको ड्रॉ करेंगे और किस प्रकार याद रखना है आपको, तो देखते हैं। तो मैं इनको टेबल ड्रॉ कर लेता हूं, यहां इस तरफ तो मैं रेशियो लिख लेता हूं, रेशियो ये अपने एंगल, तो रेशियो क्या है हमारे 6:6 है, 6:6 को टाइम कर दो साइन थीटा सॉरी एंगल, इधर एंगल्स ले लेते हैं और यहां पे रेशियो ले लेते हैं। एंगल कौन कौन से 0
जीरो थीटा, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, यानी इनकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए और हम डिफाइन करते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकाल सकते हो और एंगल के बारे में। और यहाँ पे हम लिख लेंगे रेशियोज को, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। और ये थीटा की वैल्यू होती है, थीटा मीन्स एंगल, जो अपना थीटा का मान हमेशा एंगल में रहेगा, डिग्री में रहेगा, ठीक है। तो मैं एक आपको साइन थीटा के एंगल्स के बारे में डिफाइन करूंगा और इसके हेल्प से हम सारे एंगल निकाल सकते हैं। जैसे साइन थीटा का मैं निकालूंगा, साइन 0 डिग्री का मान क्या रहेगा, 0, और साइन 30 का 1/2, और साइन 45 का 1/√2, और साइन 60 का 3/2, एंड साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। आपको ये याद रखना है। और अभी जो हमने पिछले कुछ फॉर्मूले कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी है उनके अकॉर्डिंग हम उनको ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कॉस थीटा निकालना हो आपको, कॉस थीटा का एंगल कुछ नहीं है, इसको जस्ट रिवर्स करना है आपको। जैसे साइन थीटा का मान था ना, उसका रिवर्स करके लेके आना है, तो क्या आएगा, रिवर्स करेंगे तो 1, 0 का मान 30 डिग्री पे क्या रहेगा, √3/2, एंड 45 पे 1/√2, और 60 पे 1/2 एंड 0 डिग्री 0, ठीक है। और टेन थीटा क्या होता है, हमने पढ़ रखा है टेन थीटा होता है साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। तो कुछ नहीं करना है, साइन थीटा की जो वैल्यू है उसमें कॉस थीटा का डिवाइड कर देंगे। जैसे 0 डिवाइड बाई 1 करूंगा तो क्या आएगा, 0, यानी साइन 10 0 का मान क्या रहेगा, 0, और साइन 10 30 का मान क्या रहेगा, मतलब साइन थीटा का मान क्या है, साइन 30 का मान 1/2, और डिवाइड कितना करना है, कॉस 30 से, यानी √3/2 से। जैसे डिवाइड करना चाहो तो 1/√2 / √3/2, तो ये 2 ऊपर शिफ्ट हो जाता है, तो 1/2 × 2/√3, उसे 2 कैंसिल, क्या मान आ गया, 1/√3, उसका मान हो गया 1/√3। इसी प्रकार इसका डिवाइड इससे करूंगा तो क्या मान आएगा, 1, और यहाँ पे √3, और यहाँ पे क्या आएगा, 1/0। ये वाली टर्म याद रखना, यदि किसी वैल्यू में, किसी मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू में यदि हम 0 का डिवाइडेशन करेंगे तो हमेशा इन्फिनिटी आएगा, यानी अपरिभाषित, तो इसका मान क्या रहेगा, इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी का साइन होता है, ठीक है। कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का रेसिप्रोकल, टेन थीटा का रेसिप्रोकल मतलब इसको रिवर्स करता जाना है टेन थीटा को, तो ये क्या है, 0/1, तो इसका रेसिप्रोकल 1/0, तो क्या बन जाएगा, 1/0 का इन्फिनिटी, यानी कि 10 0 डिग्री का मान क्या होता है, इन्फिनिटी, और इसको रेसिप्रोकल करूंगा 1/√3 को तो √3, इसका रेसिप्रोकल बन जाता है यहाँ पे 1/√3, तो ये क्या था, 1/0 वाले टर्म्स, तो इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या बनेगा, 0, ठीक है। ऐसे sec थीटा cos थीटा का रेसिप्रोकल है, तो cos थीटा की जो वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल करना है, उसका उल्टा करना है, तो 1 का उल्टा करूंगा तो 1, तो ये क्या आएगा, 2/√3, यहाँ पे √2, यहाँ पे 2, और 0/1 है, इसको मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो 1/0, तो क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी, ठीक है। और cosec थीटा ये sin थीटा का रेसिप्रोकल है, तो sin थीटा का रेसिप्रोकल करूंगा तो 0/1 है, 1/0 करूंगा तो यहाँ इन्फिनिटी, और ये आ जाएगा 2, ये √2, और 2/√3 एंड 1, इसका रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, यानी टेबल है। और मैंने आपको बहुत आसानी से इस टेबल को ड्रॉ करना सिखाया है कि एक आपको ये साइन थीटा के वैल्यू याद होनी चाहिए, और साइन थीटा से हम बाकी के जो अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट सेक एंड कोसेक, इनका एंगल्स का मेजरमेंट आप कर सकते हो, और इस टेबल को आपको याद रखना है, ये काफ़ी हेल्प करेगी क्वेश्चनों में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं, आगे कल चलते हैं। ये बहुत प्रॉब्लम कर रहा है।